पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह और अफगानिस्तान के बल्लेबाज गुरबाज, यानी कि एक लड़ रहे हैं पाकिस्तानी और अफगानी। तो ये कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तानी और अफगानिस्तान के खिलाड़ी से पहले लड़ चुके हैं। नसीम शाह जिनकी उम्र सिर्फ 20 साल की है, ब्रह्मनुल्ला को उन्होंने जबरदस्त तरीके से एग्रेशन दिखाया और उसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार जो है वो सातवें आसमान पर पहुंच गया। जब उन्होंने गुरबाज को आउट किया तो उसके बाद पहले तो वो काफी गुस्से में गुरबाज की तरफ आए, उनको कमॉन का इशारा किया, गुस्से में उनको देखा और फिर उनको कुछ अपशब्द कहे। हालांकि हमने कई बार देखा है कि जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं या पाकिस्तान के गेंदबाज हैं, ये अपना आपा खो जाते हैं। चाहे वो पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें, वर्ल्ड कप की बात करें, एशिया कप की बात करें, पाकिस्तान के खिलाड़ी इस तरह की हरकतें करते हुए नजर आते हैं। सामने क्रम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की मिसाल तो आपने सुन रखी होगी और यही सब कुछ इस वक्त भारत के मीडिया के साथ हो रहा है। खिलाड़ी खेल रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, आपस में लड़े, झगड़े, छक्के मारे, चौके मारे, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ के खींचे। तुम तीसरी जगह कौन होते हो उनके बारे में बातें करने वाले या पाकिस्तान पर तनकीद करने वाले? अब नसीम शाह ने भारत के इन क्रिटिक्स को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है और एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन सबसे पहले आपको इसका जल्दी जल्दी बैकग्राउंड बताते हैं और फिर आपको भारत के मीडिया की जुबानी नसीम शाह के खिलाफ जो दिल की भड़ास वो निकालना चाहते हैं वो भी दिखाते हैं, फिर आप फैसला कीजिएगा कि फिर नसीम शाह का ये मुंहतोड़ जवाब बनता था या नहीं। चूंकि इस वक्त कोलंबो स्ट्राइकर्स की तरफ से नसीम शाह LPL यानी लंकन प्रीमियर लीग खेलने श्रीलंका में मौजूद है और वहां उनका टकराव जब अपनी ओपोनेंट टीम के अफगानी प्लेयर रहमतुल्ला गुरबाज के साथ हुआ और पहले ही ओवर में गुरबाज का कैच छूटता है और फिर जब तीसरा ओवर दोबारा वो करवाने आते हैं तो चंद अच्छी हिट्स लगाते हैं गुरबाज नसीम शाह को और फिर पांचवी गेंद पर गुरबाज नसीम शाह के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। कैच छूटने और अच्छी हिट्स लगने पर एग्रेशन में मौजूद नसीम शाह गुरबाज के पास आकर जश्न मनाते हैं, उन्हें कुछ कहते हैं जिसको फौरन भारत का मीडिया पिक करता है और अपने प्राइम मीडिया पर पूरे पूरे शोज करता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिखाते नजर आ रहे हैं, कुछ ज्यादा ही घुमंडी हो चुके हैं, यानी नसीम शाह पर बेइंतहा तनकीद की जाती है। लेकिन फिर उसी मैच के अहतमाम पर नसीम शाह की तरफ से मुंहतोड़ जवाब मिलता है भारत के मीडिया को। भारत के मीडिया को और सोशल मीडिया पर अभी भी ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है जिसकी झलकियां आप साथ साथ देख भी रहे हैं, जिसमें गुरबाज और नसीम शाह मैच के अहतमाम पर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते, एक दूसरे को गले लगाते दिखते हैं और सोशल मीडिया सार्फिन भी इस पर ये लिखते दिखाई दिए कि ये बोलती बन की गई भारत के उस गोदी मीडिया की जो नसीम शाह के बारे में गलत गलत रिपोर्टिंग कर रहा था, उन्हें मगरूर और न जाने क्या कुछ कह रहा था। हालांकि फास्ट बॉलर का ये हुस्न होता है कि वो जो एग्रेशन फील्ड पर दिखाता है, और ये सिर्फ नसीम शाह ही नहीं दुनिया के तमाम टॉप के फास्ट बॉलर्स आपको एग्रेसिव ही दिखाई देंगे। चाहे आप शोएब अख्तर की मिसाल ले लें, शाहीन अफरीदी की मौजूदा दौर में मिसाल लें, या फिर ब्रेटली वगैरह या मैग्रा वगैरह को अगर देखें तो वो भी अपने दौर के बड़े एग्रेसिव बॉलर हुआ करते थे। लेकिन भारतीयों को ये बात इसलिए भी नहीं पता क्योंकि उनके पास तो दौड़ कर आते हुए स्पिन बॉलिंग करवाने वाले प्लेयर्स हैं जिनकी स्पीड ही 120 से ऊपर नहीं जाती जितनी हमारे स्पिन बॉलर्स की स्पीड है। बहरहाल भारत का मीडिया क्या कुछ कह रहा है आइए आपको जरा सुनाते हैं ताकि आप भी महसूस हो सकें। क्रिकेट के मैदान पर लड़ाई की जो तस्वीरें अभी आपने देखी, ये लंका प्रीमियर लीग के पहले मुकाबले की है और यहां पर लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह और अफगानिस्तान के बल्लेबाज गुरबाज, यानी कि एक लड़ रहे हैं पाकिस्तानी और अफगानी। लेकिन इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की याद आ गई नसीम शाह को और शायद उन्होंने इसी अंदाज में गुरबाज को आउट करने के बाद कुछ कहा। तो ये कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तानी और अफगानिस्तान के खिलाड़ी से पहले लड़ चुके हैं। आपको बताएं एशिया कप 2022 में भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाड़ियों के बीच में लड़ाई हो गई थी, उसके बाद स्टेडियम में फैंस की भी लड़ाई हो गई थी और अब ये नया मामला हुआ है लंका प्रीमियर लीग का, जहां पर आगाज हो चुका है, पहला मुकाबला खेला गया, कोलंबो स्ट्राइकर्स को हार का सामना करना पड़ा। और मैं आपको बता दूं कि नसीम शाह कोलंबो स्ट्राइकर्स के ही गेंदबाज हैं और बाबर आजम भी कोलंबो स्ट्राइकर्स से खेल रहे हैं। कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नसीम शाह का नहीं रहा और जब उन्होंने गुरबाज को आउट किया तो उसके बाद पहले तो वो काफी गुस्से में गुरबाज की तरफ आए, उनको कमॉन का इशारा किया, गुस्से में उनको देखा और फिर उनको कुछ अपशब्द कहे। नसीम ने गुरबाज को तीसरे ओवर की पांचवी गेंद पर रमेश मेंडिस के हाथों कैच करवाया। इसके बाद नसीम ने गुरबाज के सामने आक्रामक अंदाज में विकेट का जश्न मनाया। वहीं गुरबाज ने नसीम को हाथ से साइड की ओर आगे बढ़ गए। नसीम ने उसी दौरान अफगानिस्तानी खिलाड़ी को कुछ अपशब्द कहे। गुरबाज ने पवेलियन लौटने से पहले चौथी गेंद पर शानदार हवाई फायर किया था जिससे नसीम शाह काफी नाराज हो गए थे। गुरबाज ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में शानदार छक्का जड़ा था नसीम शाह की गेंदबाजी पर और इतना गुस्सा आ गया नसीम शाह को कि जब उन्होंने गुरबाज का विकेट लिया तो इस विकेट लेने का जश्न उन्होंने पहले कमॉन करके तो मनाया ही, लेकिन उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान के इस खिलाड़ी को काफी अपशब्द भी कहे जो आप इन तस्वीरों में
देख सकते हैं। हालांकि हमने कई बार देखा है कि जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं या पाकिस्तान के गेंदबाज हैं, ये अपना आपा खो जाते हैं। चाहे वो पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें, वर्ल्ड कप की बात करें, एशिया कप की बात करें, पाकिस्तान के खिलाड़ी इस तरह की हरकतें करते हुए नजर आते हैं। श्रीलंका से टेस्ट मैच खेलने के बाद जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी लंका प्रीमियर लीग के पहले मैच में खेलने उतरे तो निगाहें दो खिलाड़ियों पर रही, एक बाबर आजम की बल्लेबाजी को लेकर और दूसरी नसीम शाह को लेकर। नसीम शाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां पर अफगानिस्तान के खिलाड़ी रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ उनका विवाद दिखाई पड़ा है। नसीम शाह, जिनकी उम्र सिर्फ 20 साल की है, रहमानुल्लाह को उन्होंने जबरदस्त तरीके से एग्रेशन दिखाया और उसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार जो है वो सातवें आसमान पर पहुंच गया। हालांकि बात बिल्कुल सच है कि फास्ट बॉलर जो है उसमें एग्रेशन होता है और तेज गेंदबाज अक्सर अपने एग्रेशन के लिए ही जाना जाता है। जितना ज्यादा एग्रेशन उतना ज्यादा गेंदबाज बेहतर, कई बार उल्टा भी पड़ जाता है, जैसे रॉबिन्सन के साथ इंग्लैंड वाली सीरीज में हुआ था। लोगों ने पूछा भाई तुम्हारे पास क्या है, लेकिन यह मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा और इस मैच से आगे आने वाले भविष्य की संभावनाएं जो है वो भी निकल कर आई। संभावनाएं किस बात की? संभावनाएं इस बात की कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जब वनडे वर्ल्ड कप में मैच होगा तो गुरु क्या होगा। यहां जो एक्सप्रेशन नसीम ने दिखाया है, अफगानिस्तान क्रिकेट फैंस अक्सर दिखाते नजर आते हैं और पाकिस्तान की तरफ से इस बात की शिकायत होती है कि यार थोड़ा सा अपने लड़कों को यार कंट्रोल में रखो, मतलब थोड़ा सा तो एकदम। इस वीडियो के वायरल होने की एक और कहानी है। दरअसल वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान का मैच जो है वो चेन्नई में पड़ रहा है पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की तरफ से पुरजोर कोशिश की गई थी कि यार चेन्नई में मैच ना हो। पाकिस्तान ने आईसीसी को रिटर्न में भी दिया कि यार वो मैच चेंज कर दो। इससे पहले भी हमने देखा वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान है तो खूब लड़े थे, फिर बोर्ड्स की लड़ाई, उसके बाद पाकिस्तान में जो टूर्नामेंट होने वाला था एशिया कप उसमें भी अफगानिस्तान के खिलाफ जाना, कई बार अफगानिस्तानी खिलाड़ियों का एग्रेशन या उनके फैंस का एग्रेशन पाकिस्तान को परेशान करना। अब इन सारी चीजों के बीच में ये वाला मामला तो धीरे से निकल गया, लेकिन यह आहट दे गया कि अफगानिस्तान के साथ क्या होने वाला है पाकिस्तान का। वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई में इंडिया पाकिस्तान से कम नहीं है। क्या लौटते मैच की बात करते हैं। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जाफना किंग्स और कोलंबो स्ट्राइकर के बीच में मुकाबला था और इस मुकाबले में नसीम शाह जो हैं वो खेल रहे थे कोलंबो की तरफ से। कोलंबो की तरफ से बाबर आजम भी खेल रहे थे, उनकी तरफ से पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज भी खेल रहे थे। लेकिन शुरुआत जो होती है वो गुरबाज की तरफ से बड़ी ताबड़तोड़ होती है और दोनों गेंदबाज जो गेंदबाजी करने आते हैं, चाहे वो नवाज हों या फिर नसीम शाह, दोनों पाकिस्तानी गेंदबाजों को वो ताबड़तोड़ तरीके से मारना शुरू करते हैं। केवल 11 बॉलों में तेज तर्रार अंदाज में 21 रन ठोके, जिसमें स्ट्राइक रेट जो था वो 190 का था, दो छक्के मारे और यहीं से नसीम जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव नजर आ रहे थे। नसीम का एग्रेशन जो है वो तब टॉप पर जाता है जब मैच के 20वें मिनट में तीसरे ओवर की 5वीं बॉल पर वो गुरबाज की गेंद फेंकते हैं और गुरबाज एक शॉट मारते हैं जो सही से कनेक्ट नहीं होता, जिसके बाद मेंडिस जो है वो उनका कैच पकड़ लेते हैं। अब तेज गेंदबाज जिसे शॉट पड़े हों वो अपना एग्रेशन क्यों नहीं दिखाएगा, लेकिन एग्रेशन यहां कई लोगों को लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया और नसीम शाह ने न सिर्फ एग्रेशन दिखाया बल्कि गुरबाज जब उनके बगल से गुजर रहे थे तो उनको पास जाकर कुछ कह दिया और यही वीडियो सेशन जो है ये काफी ज्यादा वायरल हुआ। लोग कह रहे हैं यार थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, नसीम इज जस्ट 20, थोड़ा सा एग्रेशन पे कंट्रोल रखें तो करियर जो है थोड़ा लॉन्ग टर्म, क्योंकि एग्रेशन और छेड़खानी में थोड़ा सा फर्क होता है। बदतमीजी तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि फास्ट बॉलर्स का होता है,